मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं आप सभी देखने वालों और सुनने वालों को हमारे उदारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में प्रणाम करता हूँ सलाम कहता हूँ यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस वक्त टीवी के माध्यम से परमेश्वर के सुसमाचार को आपके साथ सहभागिता कर सकता हूं मैं आज अपने संक्षिप्त प्रवचन में हमारे उदाहरकर्ता यीशु मसीह को दो रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा यीशु एक बड़े भिषद वक्ता और यीशु एक महायाजक मैं आपके सामने बाइबल से एक पद पढ़ना चाहू चाहूँगा यह उसका सातवां अध्याय और उसका सोलह पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्योक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है लोगों पर बड़ा भय छा गया और उसके बाद जो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भश्योद्ता उठा है और परमेश्वर ने हमें अरे ऊपर बड़ी कृपा की है ये उस छोटी सी घटना जो नाइन नगर में हुई थी उससे जुड़ी हुई है एक दिन प्रभीष्मी अपने चेलों के साथ और एक बड़ी भीड़ के साथ नयन नगर की ओर जाने लगे और ये यहूदियों का एक नगर था और जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उन दिनों में शहर के चारों ओर ऊंची दीवार बनाई जाती थी और बड़े बड़े फाटक के द्वार से सुरक्षा के लिए उन्हें रात को बंद कर दिया जाता था और दिन को लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाता था बाइबल में लिखा है कि जब यीशु नाइन नगर के फाटक पर पहुंचा तो उसने एक बड़ी भीड़ को सामने आते हुए देखा बड़ी भीड़ लेकिन आगे आगे एक अजीब और गरीब दृश्य था लोग एक मुर्दे को उठाए चले आ रहे थे और इस अर्थी के साथ साथ हम एक बूढ़ी औरत को रोते बिलकते हुए देखते हैं जो बिलक बिलक कर रो रही थी शायद इसलिए कि वो उसका एकलोता पुत्र था एकलोता सहारा था एकलोता उसका सहायक था और वो नहीं जानती कि अब आगे को वो क्या करेगी यहां पर यीशु फाटक में दाखिल होने वाला है और उधर से नाइन के ये लोग एक मुर्दे को लिए हुए फाटक के बाहर जाने वाले हैं एक जीवनदाता और एक मृत्यु का मालिक आमने सामने वहां पर खड़े हो जाते हैं यीशु ने इशारा किया और अर्थी उठाने वाले रुक जाते हैं उन्होंने अर्थी को नीचे रख दिया और मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ है तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ और मुर्दा उठकर खड़ा हो गया मुर्दा उठकर खड़ा हो गया कितनी खुशी की बात है मुर्दा उठकर खड़ा हो गया नाइन नगर के रहने वाले लोगों ने इससे पहला ऐसा आश्चर्य क्रम कभी नहीं देखा था संभवतिया यीशु इससे पहले नाइन नगर में आए ही नहीं थे और उनका ये पहला मौका था कि वो वहां पर जाते हैं परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और वहां पर यीशु का इस मुर्दे से आमना सामना हो जाता है मिलकती हुई विधवा से उसका सामना आ जाता है और यीशु के दिल में इतना प्रेम होता है ऐसा प्रेम उमड़ आता है जिसका कि आप और मैं वर्णन नहीं कर सकते परमेश्वर पिता यीशु के रूप में इस संसार में हैं क्योंकि वे हम सबों से प्रेम करते हैं और लिखा कि यीशु ने इस मरे हुए नौजवान को जीवन दान प्रदान कर दिया और मुर्दा उठ खड़ा हुआ और उसने नौजवान को उसकी विधवा माँ को सौंप दिया आप और मैं सिर्फ सोच सकते हैं कि इस विधवा माँ को कितना आनंद हुआ होगा यीशु को उसने कोटि कोटि धन्यवाद कहा होगा यीशु के पैरों को छुआ होगा क्योंकि एक अजनबी ने उसके बेटों को पुनर्जीवित कर दिया लेकिन लिखा कि जब लोगों ने मुर्दे के उठकर बैठते हुए देखा जीवित होते हुए देखा बड़ा भाई उन पर छा गया लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अनुभव कर लिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है और लिखा कि वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे जी हाँ ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन के द्वारा से अपने व्यवहार के द्वारा से जब हम परमेश्वर के प्रेम के कार्य को हमारे जीवन में अनुभव करते हैं हम परमेश्वर को बहुत नजदीक से अनुभव कर सकते हैं और ये लोग जिस प्रकार से कह रहे थे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यता उठा परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत कुछ हद तक बिल्कुल सही थे और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की यहां पर भी बहुत कुछ हद तक वो सही थे परमेश्वर ने हमेशा हम मनुष्यों पर बड़ी कृपा की और उसने यीशु को इस संसार में एक बड़े विशदुक्ता के रूप में भेजा ताकि वो आपको और मुझको भविष्य की बातें भविष्य के सुंदर परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बतलाएं। मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करता उसकी परवाह नहीं करता और यदि उसके पास बहुत सारी सांसारिक संपत्ति है तो वो एक ही बात कहता है खाओ पियो जियो कल किसने देखा या इस प्रकार के विचार इस प्रकार की भावना हमारे दिल में हमें रखना ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है प्रभिष्णसी संसार में वृक्षता बनकर आए और वो आपको और मुझको अपने भविष्य के बारे में बतलाना चाहते हैं जी हाँ बहुत से लोग इस संसार में उठ खड़े हुए पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे भविष्योक्ता हुआ करते थे जिनके माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते थे उससे पहले एक ऐसा समय था जब ईशु अपने बच्चों से आमने सामने साथ साथ चलते हुए बातें करता था लेकिन पाप ने परमेश्वर को उसके अपने सबसे प्रिय प्राणी से अलग कर दिया और फिर परमेश्वर उनसे भ्रषोचताओं के माध्यम से बात करने लगा फिर व्यवस्था के पुस्तक का जमाना आया व्यवस्था के पुस्तक के माध्यम से उनसे बात करने लगा और फिर समय आया यीशु के माध्यम से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करने लगा जी हाँ इसराइलियों के समय से वो एक बड़े भहशत के बारे में सोच रहे थे उसके आने की बात जोह रहे थे कि परमेश्वर उनके लिए एक बड़ा भहशत वक्ता भेजेगा जो इशरालियों से भेंट करेगा यहाँ पर नायन के लोग जब ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में एक बड़ा भहिष्य वक्ता उठ खड़ा हुआ है उठा है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं परमेश्वर ने हमारे पर कृपा दृष्टि की है बहुत सही बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम पर ऐसी कृपा दृष्टि की और उसने यीशु को हमारे लिए संसार में भेज दिया क्या हमने उस यीशु को एक भविष्यता के रूप में स्वीकार किया है ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है जिसको कि आपको और मुझको सोचना है ये जो विचार उनके दिल में एक भा के बारे में था कई दिनों से उठ रहा था कि कब भविष्यता हमारे बीच में आएगा कब हमारे बीच में भविष्यता उठ जाएगा वो एक प्रकार से ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गया था और जब वो ठीक ऐसा सोच ही रहे थे उनके बीच में एक अजीब व गरीब व्यक्ति आ खड़ा होता है उसके वस्त्र बड़े अजीब होते हैं लेकिन उसकी वाणी में इतनी शक्ति होती है जिसको सुनकर बाइबल कहती कि भीड़ की भीड़ उसके पास आने लगी और अपने पापों से पछताव का बपतिस्मा लेने लगी वो था यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला लोग सोचने लगे कि कहीं ये वही भविष्यता तो नहीं है जिसकी हम राह देख रहे हैं और वो उन्हें उस भविष्यता के रूप में स्वीकार करने ही वाले थे कि यहुन्ना के कानों में ये लोगों के विचार प्रकट हो जाते हैं और ना उनसे साफ साफ कह देता कि नहीं 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 मैं वो नहीं हूँ जिसके बारे में आप सोचते हैं मैं वो भस्योद्यक्ता नहीं हूँ मैं तो सिर्फ एक साधारण जंगल में पुकारने वाला के रूप में आया हूँ मेरा कार्य है कि मेरे बाद जो बड़ा भश्योद्वक्ता आने वाला है मैं उसके लिए रास्ता तैयार करूं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यौना ने उनके इस विचार को स्वीकार नहीं किया ये जो कुछ भी लोग सोचते थे ये मूसा की उस वशद वाणी के आधार पर वे सोचने लगे थे जिसके बारे में हम व्यवस्था विवरण उसका अठारहवा अध्याय और उसके पंद्रहवें पद में हम पढ़ते हैं जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ यहाँ पर मूसा कहते हैं कि तुम में से परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति को उठ खड़ा कर देगा जो बड़ा भविष्य कहलाएगा तुम उसकी सुनना क्योंकि तो तुम्हारे ही बीच में से तुम्हारे ही भाइयों में से परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा कर देगा जो बड़ा भविष्य होगा तुम उसकी सुनना और आगे वो ये भी कहता है लिखा हुआ व्यवस्था की विवरण उसका अठारह अध्याय उसका उन्नीसवा वचन कि जो मेरे भेजे इस भाष्यता के वचन को ग्रहण नहीं करेगा मैं उससे हिसाब लूंगा यानी जब हम परमेश्वर के भेजे इस भाष्यकता की बातों को सुनते हैं और उसको ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको और मुझको परमेश्वर को उसका जवाब देना होगा ये समय आने वाला है कि आपको और मुझको परमेश्वर के सामने यीशु के सामने खड़े होकर इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि हमने उसकी क्यों नहीं सुनी प्रभु परमेश्वर ने ये सुंदर बाइबल आपके और मेरे हाथों में दे दी हम कितना पढ़ते हैं और यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखी हुई बातों को हम कितना मानते हैं क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से ये चेतावनी लिखी हुई है कि यदि हम उसकी नहीं सुनेंगे तो वह हमसे हिसाब लेगा जी हाँ हमारे जीवन का हर पल का हमें हिसाब देना पड़ेगा हम उसे एक महान राजा एक बड़ी ज्योति एक महायाजक के रूप में सोचते हैं स्वीकार करते हैं उसकी पहचान को हम सम्मान देते हैं लेकिन बहुधा हम ईशु को एक बड़ा भविष्यता के रूप में बहुत कम सम्मान देते हैं अरे है हम इस गंभीर प्रश्न पर विचार करें उसका सम्मान करें और इस बात को याद रखें कि हमें इसका जवाब देना पड़ेगा क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं उस दिन आपके पास मेरे पास बहाना बनाने के लिए कोई मौका नहीं होगा कि हम ईशु को नहीं पहचान पाए जी नहीं यीशु आए और यीशु चले गए लोगों ने उस वक्त नहीं पहचाना आज भी बहुत से लोग पहचानते हुए भी उसे पहचानना नहीं चाहते ये एक बड़ी गंभीर और दुखदाई बात है परमेश्वर के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु आत्माओं के साथ जीवनों के साथ बार बार ये कोशिश करता है कि वे उनको परमेश्वर की सच्ची बातें बतलाएं प्रकट करें और यीशु को हम वृश्यता के रूप में स्वीकार करें यीशु ने सिर्फ वृश्योत्ता बनकर इस संसार में आए वो एक महायाजक बनकर आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आए आइए हम देखें इब्रानियों उसका चौथा अध्याय और उसका चौदह पद में बड़ी सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है इब्रानियो उसका चौथा अध्याय और उसका चौदहवा पद सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायजक जो स्वर्गों से होकर आया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें यीशु महान याजक स्वर्गों से होकर आया है स्वर्गों से होकर और हमने जो अंगीकार किया है उसको हम दृढ़ता से थामे रहें जी हाँ बाइबल में इब्रानी की पुस्तक में हम इस महान याजक के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर हम पाप के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि पाप का बलिदान के लिए यीशु पहले ही से प्रबंध कर चुका है इसराइली लोग जब कनान देश की ओर चले जा रहे थे और जंगल में भटक रहे थे और परमेश्वर ने मूसा को तंबू के रूप में एक मंदिर बनाने की आज्ञा दी बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर कई प्रकार के याजक और महायाजक नियुक्त किए गए जो इस मंदिर में सेवकाए करते थे लेकिन बाइबल में सिर्फ एक ही महायाजक है और वह है यीशु, या यीशु हमारा महायाजक है 1844 में भाई विलियम मिलर और उसके साथियों ने जो बाइबल अध्ययन किया जिसमें उन्होंने जाना था कि आज यीशु लौटकर आने वाला है वो असफल हुआ तो उन्होंने और गहराई से अध्ययन किया और इस बात को जाना कि यीशु एक महायाजक के रूप में महापवित्र स्थान में आपके और मेरे लिए प्रवेश कर चुके हैं महापवित्र स्थान में और फिर वो आज महायाजक के रूप में परमेश्वर के दहनीय हाथ पर बैठे हुए आपकी और मेरी सेवकाई के लिए आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए आपके और मेरे नए जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी और मेरी सेवा वहाँ पर बैठे हुए वो कर रहे हैं परमेश्वर हम सबको शक्ति देवे कि हम इस संसार में यीशु मसीह को एक बड़ा भविष्य उक्ता एक महायाजक जो कि हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान देकर इस संसार से चला गया कि हम शुद्ध और पवित्र होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें परमेश्वर के इस सुंदर वचन को समाप्त करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहूँगा प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे उदारकता प्रभु यीशु मसीह को एक बड़ा भविष्योक्ता एक महायाजक बनाकर इस संसार में भेजा था और उसने बड़ी बड़ी भविष्यवाकर इस संसार में की इस संसार में महायाजक बनकर उसने अपने जीवन का बलिदान हमारे लिए दिया ताकि हम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें और उस पर विश्वास लाने के द्वारा से अनंत जीवन प्राप्त कर सकें मेरी आपसे विनती है कि इन श्रोताओं और देखने वालों को आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें यीशु के पवित्र नाम से आमीन